हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरस्वती एजुकेशन ग्रुप भादरा जून। ये आपके लिए चैप्टर नंबर आज है मैथमेटिक्स का, क्लास एट्थ का, एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट वन, पहला वीडियो ये अपना है ना। तो इन आर फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गिवेन, देखो भाई अपना पहला क्वेश्चन है, इफ ये दिया हुआ, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखे दे रहा हूँ, इफ यू सबट्रैक्ट, If you subtract, one upon two from a number, and multiply the result. And multiply the result by 1/2. By 1/2, you get 1/8. What is the number? We have to find out the number. Got it? And our next question is, the perimeter of a rectangular swimming pool is, the perimeter of the rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its width. Its length is 2 meter more than twice of its width. What is the length and the width of the pool? What is the length and width of the pool? ये अपने को फाइंड आउट करने हैं, है ना, विड्थ और लेंथ पूल की। ठीक है जी, चलिए अपने स्टार्ट करते हैं आर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ये दिया हुआ है हमारे को, If you subtract 1/2 from a number, number अभी हमें नहीं पता कितना है ना, तो जो चीज़ हमें नहीं मालूम होती है वही चीज़ हमें अज्यूम करनी होती है, हम उसी चीज़ को मानेंगे जो अननोन है, नहीं पता है हमारे को, नंबर नहीं पता, नंबर ही मानेंगे। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, यू गेट 1/8, वॉट इज द नंबर, नंबर पता करनी है हमारे को। देखो ये लिखा है ना साफ साफ, वॉट इज द नंबर, तो बस यहीं से ही मान लो आंसर में, आंसर में अपने मान लेंगे, लेट अस अज्यूम द रिक्वायर्ड नंबर, लेट अस अज्यूम द रिक्वायर्ड नंबर एज एक्स, है ना, ऐसे भी लिख सकते थे अपने, आर रिक्वायर्ड, अज्यूम दैट आर रिक्वायर्ड नंबर इज एक्स, है ना। तो अपने देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या चल रहा है अपना, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो देखो नंबर से ये साफ साफ लिखा हुआ, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, यानी फ्रॉम माने से, है ना, एक नंबर से, ए नंबर मतलब एक नंबर से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको, 1/2 को, तो x माइनस 1/2 हो गया, है ना, जब अपने सब्ट्रैक्ट करते हैं
एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, और रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू गेट 1/8, तो हमारे को क्या मिलता है, 1/8 मिलता है। वॉट इज द नंबर, नंबर फाइंड आउट करनी है, यानी एक्स का मान निकालना, तो मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो सिंपल रूल्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताए थे ट्रांसफर के रूल्स, है ना, मैं यहाँ पर रिमाइंड कराए दे रहा हूँ आपको, रूल्स ऑफ ट्रांसफर, रूल्स ऑफ ट्रांसफर क्या थे आपके, देखो ये है रूल्स ऑफ ट्रांसफर, समझने वाला पॉइंट है आपके रूल्स ऑफ ट्रांसफर का, प्लस अगर कोई नंबर एडिशन में होती है तो माइनस में जाती है, माइनस में रहती है तो प्लस में जाती है, मल्टीप्लाई में रहती है तो डिवाइड में जाती है, डिवाइड में रहती है तो मल्टीप्लाई में जाती है, सिंपल चीजें हैं भाई, है ना, बहुत ही ध्यान से समझते रहेंगे। तो देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, अब आप लोग ये कहोगे कि भाई असर ने तो बताया था कि जो प्लस में या माइनस में रहती है वो दूर होती है, लेकिन ये दूर दिख रही है आपको, साफ साफ दिख रहा है कि इस ब्रैकेट में ये तो इसके साथ कंबाइन में है इसलिए ब्रैकेट लगाया गया, ये पास का है, ये घर के अंदर है, ये घर के बाहर है, तो अंदर वाला दूर होगा या बाहर वाला, ऑफकोर्स बाहर वाला दूर होगा इसलिए ये दूर है। तो हम यहाँ देख रहे हैं दो भाग में आ रहा है ना, दो बट्टे में आ रहा है, जब उस साइड में जाएगा ट्रांसफर होगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो मैं इसके आगे का स्टेप इधर ले ले रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/8 और इनटू ये टू मल्टीप्लाई में, उधर जाके किस में, ये टू डिवाइड में है, उधर किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में हो गया टू, अब देखो टू वन ज़ा टू, टू फोर ज़ा एट, तो एक्स माइनस 1/2 इक्वल्स टू हो गया 1/4, आगे देखेंगे अपने x इक्वल्स टू ये दिया है 1/4 और ये इधर माइनस में है 1/2, इधर किस में हो जाएगा प्लस में, तो इनका दो और चार का एलसीएम लिया कितना हो गया चार, चार एकम चार और उसके बाद प्लस, दो दूनी चार, दो हो गया, दो और एक तीन, तीन बटे चार आंसर हो गया अपना, है ना, आर आंसर इज 3/4, आर आंसर इज 3/4, आर आंसर इज 3/4, आर आंसर इज 3/4, है ना। तो आगे देखते हैं अपने इसके बाद, देखो भाई एक्स इक्वल्स टू 3/4 आ गया, डाउट कोई होना चाहिए नहीं आप लोगों को, है ना, चलो यानी कि जो अननोन नंबर थी ना, जो रिक्वायर्ड नंबर थी वो आपकी क्या हो गई, वो 3/4 हो गई, है ना। अब देखो इसमें चेक करने को लिखा नहीं है इसलिए मैं चेक नहीं कर रहा हूँ इसको, ठीक है, ऐसे लिखा हो ना चेक योर आंसर, तो इसको 3/4 को जो इनिशियल कंडीशन थी जो कि हमारी यहाँ पे ये है, इसमें पुट करके चेक करना पड़ता है whether we are correct or not, got it, let us start with our question number second, which is, देखो भाई अब आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप लोग नोट कर लें पॉज करके वीडियो को, है ना, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इसको फर्स्ट को मैं ओमिट किए देता हूँ यहाँ से, देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन आर क्वेश्चन नंबर सेकंड वी आर गिवन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। देखो कितने वर्ड्स यूज हुए हैं इसमें, पेरीमीटर यूज हुआ है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर का सीधे सीधे मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल ऐसा होता है, रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल इस टाइप का शेप होगा क्वाड्रिलेटरल का जिसमें आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर मैं सपोज इसको ए बी सी डी मान लेता हूँ तो ये साइड इसके इक्वल होगी एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। स्विमिंग पूल सभी जानते हैं भाई, पूल होता है उसमें सभी लोग तैरते हैं उसको स्विमिंग पूल बोलते हैं, इज 154 मीटर्स, कितना है 154 मीटर है। तो देखो पहली चीज भाई सम ऑफ ऑल साइड्स की बात हो रही है, अगर मैं इधर की इस साइड को अज्यूम कर लेता हूँ, अगर मैं इस साइड को अज्यूम कर लेता हूँ कि ये साइड ए है ना,
जो कि क्या है आपकी बिर्थ है, बी मान लो इसको, है ना, बिर्थ है इसलिए इसको अपन ने क्या मान लिया, बी। और ये साइड आपकी एल है यानी कि लेंथ, है ना, ये लेंथ होगी, ये बिर्थ होगी। तो आगे एल और बी में रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक तो ये दिया है कि भाई सम ऑफ ऑल साइड्स जो है वो कितना है 154, यानी इसका 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 सभी का, ये बी है तो ये इक्वल होने से ये भी बी हो जाएगी, दिस इज एल, देन इक्वल साइड इज आल्सो एल, ठीक है ना, ये एल, ये भी एल, ये बी, ये भी बी, ठीक। तो जो पूल का, स्विमिंग पूल का जो आपका पेरीमीटर है वो कितना होगा, 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, लेंथ यानी एल है वो 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ विड्थ है, यानी कि विड्थ के ट्वाइस करो और उसमें 2 को ऐड कर दो तब आएगी आपकी विड्थ। तो देखो हमने जो यहाँ पे लिख रखा है ना इसको अपन एज्यूम कर लेंगे क्योंकि लिखने का एक्चुअल मेथड वही है, है ना। तो हमने देखो एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154, यानी कि रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की चारों साइड का सम कितना है 154, ये रहा चारों साइड, है ना, ये 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 इसकी चारों साइड का सम 154, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, विड्थ से 2 मीटर मोर देन है, डबल से 2 ज्यादा है विड्थ, है ना। आगे देखेंगे व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द पूल, देखो ये पूछा गया ना हमारे से, लेंथ पूछी गई है और विड्थ पूछी गई है, तो हम लेंथ को और विड्थ को ही अज्यूम कर लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे अपने, लेट अस अज्यूम, लेट और अज्यूम अज्यूम दैट लेंथ ऑफ length of pool equals to L and width equals to B, assume कर लिया कि pool की length है L और pool की जो width है वो क्या है आपकी, वो है B, लेंथ है पूल की एल और विड्थ है पूल की बी, लेंथ है पूल की एल और विड्थ है पूल की बी। तो आगे देखना है अपने को लेंथ एंड विड्थ ऑफ द पूल, इट्स विड्थ, है ना, लेंथ एंड विड्थ हो गई पूल की, लेंथ हो गई एल, विड्थ हो गई बी, लेंथ हो गई एल, विड्थ हो गई बी। अब हमें जो चीज इसमें समझने वाली है वो देखो, हेंस पेरीमीटर या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन according to question perimeter equals to कितना दिया हुआ है आपको 154 meter, ये लिखा है ना 154 meter, यही है 154 meter का है perimeter। तो इसको लगाएंगे L into, देखो भाई पेरीमीटर यानी चार साइड का सम, तो एल प्लस एल, बी प्लस बी, एल दो बार है तो 2 आगे लिख दिए, बी दो बार है तो 2 आगे लिख दिए, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 154, तो फिर एल प्लस बी इक्वल्स टू आ गया 154/2, 2 से ये 7 टाइम चला गया, 14 हो गया, फिर से 7 टाइम चला गया, तो एल प्लस बी कितना हो गया 77। अब आगे देखना है अपने को, देखो भाई दूसरी कंडीशन ये दी है हमारे को कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, यानी कि जो एल है ना वो ट्वाइस ऑफ विड्थ, देखो यहाँ दिया हुआ है इधर, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, 2 मीटर मोर है ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ से, है ना। तो ये हो गया 2b प्लस 2 और प्लस b इक्वल्स टू कितना है 77, तो देखो ये 2b प्लस b इज 3b प्लस 2 इक्वल्स टू 77। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे अपने, मेमोरी फुल अगर हो जाए तो बता देंगे, कंटिन्यू है चल रहा हाँ। तो ये आपका 3b इक्वल्स टू 75, देन आर b इक्वल्स टू 75/3, 3 से इसको कटआउट करेंगे तो देखो 75 है तो पहले 3 का टेबल काउंट करेंगे इसमें 7 में, तो 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, और 6 के बाद में कितना रहता है 1, तो ये 15 हो गया, 3 5 ज़ा
15, तो ये कितना हो गया 25, ब्रेथ हो गई आपकी 25। अब हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है इसकी, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ पूछी गई है ना। हैंस और देयर फॉर आर लेंथ इक्वल्स टू 2b प्लस 2, देन दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू बी इज 25 प्लस 2, हैंस 50 प्लस 2 इज 52, आर लेंथ इज 52 एंड आर ब्रेथ इज 25। Hence, length equals to 52 meters and our width equals to 25 meters. This is our answer. Pause करो. Pause. Bing. Our third question is, the base of an isosceles triangle is 4 upon 3 centimeter. देखो यहां तीन वर्ड यूज हुए हैं, बेस, isosceles और ट्राइंगल। तो देखो ट्राइंगल को अपने पहले थोड़ा सा मैं आपको ट्राइंगल का ड्रॉबैक समझा दे रहा हूं, मतलब ड्रॉबैक क्या, थोड़ा सा ट्राइंगल का मैं ये समझा दे रहा हूं आपको, कितने टाइप्स हैं ट्राइंगल के ना। फ्लैश बैक में चलते हैं अपने थोड़े से ट्राइंगल के। तो देखो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है ना, यानी कि ट्राइंगल में थ्री साइड्स होते हैं और तीन एंगल्स होते हैं, उसको बोलते हैं अपन ट्राइंगल। तो सपोज इसको अपन ने नाम नेम दे दिया, इसको अपन ने ए, दिस इज बी एंड दैट सी। अब देखो ये डिपेंड करता है आपके, चूंकि तीन एंगल हैं, तीन साइड्स हैं, तो तीन एंगल के अकॉर्डिंग टू एंगल्स देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, एंड अकॉर्डिंग टू साइड देर आर थ्री टाइप ऑफ ट्राइंगल, मीन्स देर आर टोटल सिक्स टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, अकॉर्डिंग थ्री अकॉर्डिंग टू साइड एंड रिमेनिंग थ्री अकॉर्डिंग टू एंगल्स। नाउ लेट अस स्टार्ट, हियर वी आर सीइंग आर फर्स्ट कंडीशन इज वैन ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स, देखो तीन साइड हैं भाई, होता है तीनों बराबर हों, है ना, तो जब तीनों बराबर होंगी तो हम उसको ऑल साइड्स बोलेंगे ना। तो जब ऑल साइड्स आर इक्वल, जब ये वाली कंडीशन बनेगी आपकी ऑल साइड्स इक्वल की, तो उसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। सेकेंड वन इज व्हेन टू साइड्स आर इक्वल, व्हेन टू साइड्स आर इक्वल, जब दो साइड्स इक्वल होंगी तो ऐसे वाले ट्राइंगल को अपने बोलेंगे, अब हम उसको इक्विलेटरल नहीं बोलेंगे, आइसो। देखो दो को इंग्लिश में या हम कहें साइंटिफिक लैंग्वेज में दो को आइसो बोलते हैं, तीन को नियो बोलते हैं, ये आप लोग साइंस में पढ़ेंगे और एट्थ क्लास में हैवी साइंस के सिलेबस में ये है ना। तो दो को आइसो बोलते हैं क्योंकि दो बराबर हैं हमारी, दो इक्वल हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस, जो कि हमारा ये है, देखो लिखा है ना आइसोसेलेस ट्राइंगल, आई एस ओ आइसो एस, और देखो ये है ना, इसको ध्यान से देखो सी ई एल ई एस, आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। और थर्ड वन जिसमें कि तीनों साइड इक्वल नहीं होती, यानी तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट की होती हैं, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट की हैं, आपको बोलने से आ गया होगा, वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड डिफरेंट मेजरमेंट की हो, यानी अलग अलग लंबाइयों की हो, उसको अपन बोलते हैं स्केलियन ट्राइंगल, है ना, एस सी ए एल ई एन ई, स्केलियन ट्राइंगल, ठीक। साइड्स के अकॉर्डिंग ये तीन है और एंगल्स के अकॉर्डिंग अपने देखते हैं, देखो एंगल जो स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एंगल जो स्टार्ट होते हैं वो अपना फर्स्ट जो एंगल है, द वेरी फर्स्ट एंगल, वो आपका बनता है एक्यूट एंगल, है ना, जो कि 90 डिग्री से लेस देन होता है, लेस देन 90 डिग्री इसका मेजरमेंट चलता है। तो उसको अपन जब एक्यूट, जब किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल होंगे, है ना, कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसमें तीनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे, यानी दिस इज 50, दिस इज 60 एंड दैट्स 70, हमें पता है ना तीनों एंगल्स का जो सम बनता है वो कितना होना चाहिए, तीनों एंगल्स का जो सम है आपका वो होना चाहिए 180। देखो यहाँ 180